हेलो फ्रेंड्स, Redmi Note 12 Pro को जो है MIUI 14 सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना शुरू हो गया, जिसमें आपको कई ढेर सारे ऑप्टिमाइजेशन और सिग्निफिकेंट फीचर्स मिल जाएंगे। ये जो Redmi Note 12 Pro का अपडेट आया है, ये 4G मॉडल्स के ही लिए आया है। 5G मॉडल्स को भी अपडेट आने वाले दिनों में मिल जाएगा। ये Android 12 बेस्ड MIUI 14 अपडेट है ग्लोबल यूजर्स के लिए, जो Redmi Note 12 Pro 4G स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। इसका वर्जन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये जो अपडेट है 4GB की साइज का अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एंड्रॉयड और टेलीकॉम न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब ये जो नया वर्जन आया है MIUI का, ये पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट और रिलायबल है। पहले जो था MIUI 13 था, ये जो 14 आया है ये मेमोरी भी कम लेगा और इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो भी पहले से बढ़िया होगा। इसमें आपको री इमेजिन होम स्क्रीन, टेबुलर आइकन, बिगर फोल्डर, रीडिफाइंड पर्सनलाइजेशन डिटेल के साथ एडवांस सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो जो Redmi Note 12 Pro 4G स्मार्टफोन के यूजर हैं, वो ये जान लें कि अभी उनको Android 13 अपडेट का मजा लेने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो MIUI 15 अपडेट होगा उसमें उनको Android 13 अपडेट मिल जाएगा। MIUI 14 के जो अदर अपडेट हैं वो है ऑन डिवाइस प्राइवेसी, कनेक्टेड डिवाइस, बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन और भी बहुत कुछ। इसमें आपको जून 2023 का सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये जो अपडेट है ग्लोबल मार्केट में मिल रहा है और धीरे धीरे सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ये इंक्रीमेंटल रोल आउट है, इसलिए सबको तो एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है OTA नोटिफिकेशन पे ध्यान रखते रहिएगा। अगर नहीं आया है तो उसको मैनुअली एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मैनुअली कैसे चेक करना है उसके स्टेप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि अपडेट करने से पहले अपना इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप बना लीजिएगा। ये अपडेट जो है अच्छा खासा टाइम ले सकता है, इसमें ओवरहीटिंग और अदर परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी नई डिवाइस पे सेट होने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लग जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।